ये सोच सोच कर आंखें नम हो रही हैं कि आजकल बातें तुमसे कम हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सयाद आपका निजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 13 मई का करंट अफेयर। एयर इंडिया ने नए MD एंड CEO को नियुक्त किया है, कैंपबेल विल्सन ने एयर इंडिया ने नए MD एंड CEO कैंपबेल विल्सन को बनाया है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, पहले कौन थे? सुनील चंद्रा थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका अब 14 मई को कल यानी कि टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पीरियड इनका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो वो बनाए गए हैं, राजीव कुमार को चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल है वो 18 फरवरी 2025 तक रहने की संभावना है, क्योंकि आगे इंसान कुछ पता नहीं चलता। तो फिलहाल तक यह है कि इनको 18 फरवरी 2025 तक अपॉइंट किया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, राजीव कुमार को। ठीक है, सऊदी अरब की तेल कंपनी है, एक तेल कंपनी, ठीक है, नाम है सऊदी अरामको, एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी है, सऊदी अरामको इसका नाम है। एप्पल को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, सबसे मूल्यवान जो है वो दुनिया की कंपनी ये बन गई है। सऊदी अरामको इसका नाम है, सऊदी अरामको, ठीक है, सऊदी अरब की है ये, ठीक है भाई, सऊदी अरब की एक कंपनी है। यूपी में सीएम आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि जो मदरसे हैं, मदरसों में सुबह राष्ट्रगान बजाया जाएगा, राष्ट्रगान बजाया जाएगा। ठीक है, जो यूपी में मदरसे हैं उनमें भी अब सुबह सुबह जो है राष्ट्रगान बजाया जाएगा। जैसे असेंबली होती है स्कूलों में तो उस टाइम बजाते हैं, तो मदरसों में भी सुबह के टाइम पे जब असेंबली होगी या गैदरिंग होगी तो उस समय राष्ट्रगान जो है वो बजाया जाएगा, ये घोषणा की है। श्रीलंका में पीछे महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था, तो न्यू PM जो हैं श्रीलंका के वो विपक्षी पार्टी के बने हैं, रानिल विक्रमसिले। इनको क्या है, श्रीलंका का नया PM जो है बनाया गया है, रानिल विक्रमसिले। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे पहले CM थे, PM थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। काफ़ी कुछ ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ, उनका घर तक जला दिया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो अब रानिल विक्रमसिले जो है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। MS धोनी को आप जानते हैं सारे, MS धोनी अब फिल्म निर्माता बनेंगे, फिल्म निर्माता, ठीक है, तमिल भाषा की फिल्म का निर्माण करेंगे, तमिल भाषा में फिल्म बनाएंगे। ठीक है, फिल्म निर्माता बनेंगे MS धोनी, तमिल भाषा में फिल्म बनाई जाएगी, तमिल का उनसे ज़्यादा लगाव है। ठीक है, तो IPL जैसे ख़त्म होगी उसके बाद इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। स्पाइस जेट ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है, किस लिए समझौता किया है, सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, ठीक है, स्पाइस जेट ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। ठीक है भाई, हरियाणा में
गौशाला जो है, गौशाला ठीक है, उसके आसपास जो जमीन होती है गौशाला की जमीन पर चारा उगाने के लिए चारा बिजाई योजना चलाई है, चारा बिजाई योजना चलाई है ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रति एकड़ 10,000 रुपये, प्रति एकड़ 10,000 रुपये सरकार देगी। ये हरियाणा में चलाई गई है स्कीम हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो गौशाला के पास जमीन होती है ठीक है, तो उन किलो में क्या चारा बिजाई योजना चलाई जाएगी। इसमें प्रति एकड़ जो है 10,000 रुपये सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी ठीक है, ताकि जो वहाँ पे गोवंश रह रहा है उसके लिए किसी प्रकार की भी अनाज की खाने की उनकी दिक्कत ना हो ठीक है। भारतीय प्रतिष्ठित वास्तुकार, भारतीय प्रतिष्ठित वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ठीक है। ये भारत के हैं प्रतिष्ठित वास्तुकार और प्रतिष्ठित ही रॉयल गोल्ड मेडल 2022 इन्हें दिया गया है, बाल कृष्ण दोषी ठीक है। बाल कृष्ण दोषी को जो भारतीय वास्तुकार हैं ये इन्हें प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से नवाजा गया है ठीक है। नाटो के साइबर रक्षा समूह में, साइबर रक्षा समूह में एशियाई देश शामिल हुआ है, एशियाई देश शामिल हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। और ये है देश दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया है ठीक है, पहला देश बन गया है। टमाटर फ्लू के मामले आए हैं सामने, टमाटर फ्लू के मामले सामने आए हैं कहाँ पे, केरल में, केरल में जो है टमाटर फ्लू के मामले सामने आए हैं हाल ही में, ये चर्चा में है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है किसी भी तरह के एग्जाम के लिए। विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को दिया गया है। और ममता बनर्जी कौन है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है ठीक है। इन्हें विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है ठीक है। लुई वुइटन, लुई वुइटन एक एलवी कंपनी है, इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर, पहली बार बनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर भारत की दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है वो लुई वुइटन एलवी कंपनी है, ये इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर होने का जो है गौरव वो मिला है दीपिका पादुकोण को ठीक है भाई, दीपिका पादुकोण को ये हासिल हुआ है ठीक है। और 100 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ फोर्ब्स के अनुसार है ये 1,000 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले खिलाड़ी ठीक है, फोर्ब्स के अनुसार 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाई करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी है ये, दुनिया का पहला खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, फुटबॉल से संबंधित है लियोनेल मेसी ठीक है। अर्जेंटीना का है ये, अर्जेंटीना का है ये खिलाड़ी ठीक है। इसने 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की है और ऐसा करने वाला पहला खिलाड़ी है दुनिया का। 1,000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं भाई ठीक है। तो आज की करंट के हिसाब से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते सारे आज हमने पढ़े हैं, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।